मॉर्निंग। और ये तो सुबह का टाइम है, वीडियो कितना टाइम जाएगा ये मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और क्या बोल रही थी, मैं अपना छोटा सा किचन होम टूर कराने जा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज लेके अपने चेहरे पे स्माइल और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो डालूँ तो आप सभी के बीच में मेरा वीडियो पहुंच जाए और आप सब मेरे वीडियो को देखो और मुझे सपोर्ट करो और आगे तक लेके जाओ। तो मैं आप सब से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे और आगे तक लेके जाओगे। तो चलिए लेके मैं चलती हूँ, आप सभी को अपने किचन का होम टूर कराती हूँ। ओके, चलिए हम सबसे पहले एंट्री करते हैं अपने किचन में। तो ये एक दरवाज़ा है किचन का जो ओपन है पहले से, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं, आंगन से एंट्री कर रहे हैं। इधर हमारा बेडरूम है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पास एक तख्त लगा हुआ है जहाँ हमेशा हम लोग बैठ के खाना खाते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं। तख्त में सब्जी काटना है, आटा गूंथना है और कुछ भी। आगे जो वीडियो गया है उसमें आप सब लोग देखे होंगे। तो ये किचन में लगा हुआ तख्त है, और ये उसके बाद आ जाता है, ये हमारा मशीन है। उसके बाद अलमारी रखाया है, अलमारी भी किचन में ही रखाया है। तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, जगह के हिसाब से ये सारा सामान यहाँ एडजस्ट करके रखे हैं हम लोग। अब ये मत बोलिएगा कि ये किचन है या बेडरूम है, क्या है। तो ये सब जगह के हिसाब से सामान रखाया है। और आलमारी के जस्ट बगल में है ये फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर में रखाया है ये थोड़ा सा मेकअप सेकअप का सामान है। तो प्लीज़ प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा। ये देखिए, ठंडी का सीज़न है तो ये सारा सामान रखाया हुआ है। ये बॉक्स में कुछ छोटा छोटा सा क्लिप वगैरह और छोटा छोटा क्लचर, छोटे छोटे कान के बालियां, ये सब रखाया हुआ है। क्योंकि शीशा हमारा, देखिए ये फ्रिज है, ये अलमारी है, उसके जस्ट ऊपर में शीशा लगा हुआ है ये, इसलिए यहाँ पास ये सब रखाया हुआ है। बेडरूम में इतना जगह नहीं है कि अलमारी और कुछ भी सामान उधर रख सकें। और ये एक पेटी है हमारा, जिसमें चावल वगैरह, गेहूँ, राशन का जितने सामान है वो सब रखते हैं। उसके जस्ट बगल में आ जाता है हमारा किचन का प्लेटफॉर्म। तो ये देखिए, यहाँ पास हमारा गैस वाला चूल्हा स्टोव लगा हुआ है, और इसके जस्ट बगल में है सिंक जहाँ हम बर्तन धोते हैं। और इसका ये टूट गया है बेचारा, बहुत दिन से टूट गया है। मैं बोल रही हूँ लेके आना करके, लेकिन ये भूल जाते हैं। और ये जस्ट ऊपर में खिड़की लगी हुई है, यहाँ से खिड़की है ये। और अभी अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ डेंटिंग पेंटिंग कुछ हुआ नहीं है, जो जैसा है उसी में हम लोग रहने लग गए हैं। मकान मालकिन दीदी बोल रही थी कि हम लोग पोताई करवा लें उसके बाद आप लोग शिफ्ट होना, लेकिन हम लोग बहुत जल्दबाजी में शिफ्ट हो गए हैं तो अभी कुछ हुआ नहीं है, जो जैसा है वैसे ही है। और ये स्लिप के नीचे रखाया है दो सिलेंडर, और ये एक सब्जी कंटेनर रखाया हुआ है जिसमें अभी कुछ सब्जी आलू है, सूखी सब्जी आलू है, नीचे प्याज लहसुन रखाया हुआ है। यहाँ पास बर्तन धोती हूँ मैं, और ये स्लिप के जस्ट बर्तन धोती हूँ, उसके बगल में ही है ये बर्तन रेक मेरा, जिसमें मेरा सारा बर्तन रखाया हुआ है। जितना बर्तन मैं यूज करती हूँ सब बर्तन यहाँ पास है। और उसके जस्ट नीचे ये जो बड़ा बड़ा बर्तन है, एक्स्ट्रा बर्तन, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, तवा हो गया, और जो कुछ भी है वो इधर रखाया है।
और ये पानी जिसमें मैं भरती हूँ यूज करने के लिए, वो वाली टंकी है, पानी की टंकी है। तो देखिए कुछ इस तरह से है। और यहाँ पास कुछ कुछ टांग के रखी हूँ मैं ऊपर। तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा किचन। ये जस्ट ये रेक के बगल में है मेरा डिब्बा उब्बा, डिब्बा मैं स्टोर करके रखी हूँ। मैं इधर खाना बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ उसके बाद जस्ट उसके बगल में ये देखिए हमारा किचन वाला सामान रखाया है, जो कि इस तरह से स्टोर करके रखी हूँ। तो स्टैंड है ये, इसमें इस तरीके से जैसे सबसे ऊपर में ये निरमा शैम्पू का इतना बड़ा पूरा पाउच वाला शैम्पू का, और साबुन, ये बर्तन धोने वाला साबुन और ये नहाने वाला साबुन, और ये 2 पैकेट ऑयल रखाया है, फिर ये चाय पत्ती का डिब्बा है, उसके बाद ये 4 पैकेट मैदा का रखाया है, फिर ये नमक, उसके बाद ये नीचे वाले आ जाता है, उसके बाद ये देखिए ये यहाँ से ये सब बेसिक मसाला वाला डिब्बा है, जैसे नमक, हल्दी पाउडर और क्या बोलते हैं उसमें कुछ दाल है, अचार है, बेसिक मसाले जो ऑयल रखाया है, शक्कर है, मसाला जो भी है। और उसके नीचे आ जाता है ये देखिए, इसमें रखाया है ये मेरा आटे वाला डिब्बा, इसमें आटा रखती हूँ, और ये चावल वाला है, इसमें चावल रखाया है जो साफ करके मैं रखी हूँ। कुछ इस तरह का है मेरा स्टैंड में सामान, देखिए। और कैमरे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। एक स्टैंड लगा है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा जो जैसा है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।